नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शाफनी पटनायक। रक्षाबंधन का त्योहार आज है। बहनें भाई की कलाई पर राखियां बांधेंगी। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से शुरू हो रहा है और शाम 4:03 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। शाम को प्रदोष काल में भी शुभ मुहूर्त है। शाम को करीब 6:39 से रात 8:52 तक शुभ मुहूर्त है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से शुरू हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां आज पूरे देश भर में रक्षाबंधन की धूम देखी जा रही है। शाम 4:03 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम को प्रदोष काल में भी शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो आज शाम 6:39 से लेकर 8:52 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश भर में शुरू हो चुका है और इसकी धूम पूरे देश भर में देखी जा रही है। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और रक्षा का वचन लेती है, और इसके साथ ही भाई अपने बहनों को तोहफा देते हैं और उनके रक्षा की कसम खाते हैं। शाम 4:03 तक आज शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम को प्रदोष काल में भी शुभ मुहूर्त रहने वाला है। रक्षाबंधन का त्योहार आज और पूरे देश में इस त्योहार की धूम देखी जा रही है। तो बहनें भाई की कलाई पर आज राखियां बांधेंगी और इसकी धूम पूरे देश भर में देखी जा रही है। तो आज भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का पर्व रक्षाबंधन पूरे देश में मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्योहार का विशेष महत्व होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, और इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। और ऐसी मान्यता है कि जब भी भद्रा होती है तो इस दौरान राखी बांधना शुभ नहीं होता। राखी हमेशा भद्रकाल के बीत जाने के बाद बांधी जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि पूरे धूमधाम से आज ये त्योहार देश भर में मनाया जाएगा, और जिनको समय को लेकर आज भद्रकाल पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के बाद भद्रा की शुरुआत होगी। भद्रा की समाप्ति 19 अगस्त 2024 को होगी दोपहर 1:30 बजे, और उसके साथ ही आपको बता दें भद्रमुख 19 अगस्त को सुबह 10:53 से दोपहर 12:47 तक रहेगा, और भद्रपूंछ 12 अगस्त को प्रातः 9:51 से लेकर प्रातः 10:53 तक रहेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि खास मान्यता होती है, जहां कहा जाता है कि भद्रा लगने के बाद राखी नहीं बांधी जाती है, शुभ नहीं होता है। ऐसे में आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उनके मंगल कामना की कामना करती है, मंगलमय जीवन के लिए कामना करती है, और पूरे देश भर में इसकी धूम देखी जा रही है। यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई में राखी बांधती है और उनके मंगल जीवन की कामना करती है और उनसे अपनी रक्षा का वचन भी लेती है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को है, और 19 अगस्त की सुबह से ही आज सावन का आखिरी सोमवार भी है, जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आज सुबह से ही आप रक्षाबंधन का त्यौहार है। देश भर में इसकी अलग ही रंग अलग ही छटा देखी जा रही है, जहां राखियों की दुकानें सजी हैं, और इसके साथ ही बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाई को राखी बांधती है और बदले में भाई बहनों को उपहार और रक्षा का वचन देते हैं। जहां राखी का त्यौहार हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, इस साल रक्षाबंधन 6 शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसकी वजह से यह अत्यंत शुभ माना जा रहा है। इस बार मैं आपको बता दें कि कई शुभ संयोग भी है, और
रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर बाजारें सजी हुई हैं, मिठाई की दुकानें सजी हुई है, जहां आज के दिन बहनें अपने भाई के हाथ में रक्षा धागा बांधती है और रक्षा का वचन लेती है और इसके साथ ही भाई की मंगलमय जीवन की कामना करती है। और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, रक्षाबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को शुभकामनाएं दी है, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम स्नेह और विश्वास का त्योहार है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यह पर्व कर्तव्य आत्मीयता त्याग सामाजिक एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई दी। सीएम ने लिखा, रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और रक्षाबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। रक्षाबंधन पर बधाई और शुभकामनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम स्नेह और विश्वास का त्योहार है, जहां यह पर्व कर्तव्य आत्मीयता त्याग सामाजिक एकता का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसकी धूम पूरे देश भर में देखी जा रही है। रक्षाबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं भी दी है।